आज हम बनाने जा रहे हैं मखाने और काजू की सब्जी। ये देखिए, जिसके लिए हमने ये दो टमाटर, प्याज, मखाने, काजू, मक्खन और ये हमने थोड़ा सा मावा भून करके लिया है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने इस मसाले को मिक्सी में पीस लिया है, प्याज टमाटर को मिक्स करके। जितने हमारा मसाला भुन रहा है उतने हम अपने काजुओं को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। रोस्ट हो चुके हैं, अब उसी कढ़ाई में हम ये अपने मखाने भी थोड़े से रोस्ट कर लेंगे। देखिए हमारा मसाला भुन चुका है, ये मिर्च हम अपने स्वाद अनुसार डालेंगे और ये हल्दी हल्की सी आधा चम्मच, इन्हें भून लेंगे। आधा कप दूध डालेंगे। ये दूध के साथ ही इसमें हम अपना ये मावा भी डाल देंगे। अब हम इसमें ये अपना ये नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। नमक आप इसमें कम ही डालिए क्योंकि ये सब्जी थोड़ी मीठी ही अच्छी लगेगी। ये देखिए, इसमें हम ये 8-10 दाने अपनी किशमिश के डाल देंगे और ये अब काजू हम इसमें डाल देंगे। ये हमारा मसाला और मावा अच्छे से भुन चुके हैं और इसमें काजू भी अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें अपने ये रोस्ट किए हुए मखाने डाल देंगे। देखिए, अब हम इसमें ये मखाने डाल देंगे। ये एक अच्छी सी ड्राई फ्रूट सब्जी तैयार हो चुकी है। ये देखिए, ये मखाने आप तभी डालें जब आपने खाना होगा, वरना मखाने एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए, ये हमारी सब्जी बन करके बिल्कुल तैयार है। हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।